नमस्कार, मैं हूं मेघना। एबी न्यूज में आपका स्वागत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। खड़ा हूं पटाला के ईस्टर्न फ्री एक्सप्रेस वे पे, जहां पर आप देख सकते हैं भक्ति पार्क के पास एक ब्रिज बना हुआ है। उस ब्रिज के पास किस तरह से एक गड्ढा, मौत का गड्ढा, आप देख सकते हैं किस तरह से मौत का गड्ढा है, जिसपे वाहन कभी भी गिर सकते हैं। आप गड्ढे को देख सकते हैं कि किस तरह से इस गड्ढे को मौत का गड्ढा कहा जा सकता है इसको, और इस पे अभी तक कितने कई दिन बीत जाने के बाद इसमें फॉर्मेलिटी पूरी अभी तक की गई है, और ये पूरा सड़क इसी तरह से बना हुआ है। इससे पहले भी इस पे कई बार ये ब्रिज टूटा है। पार्टी के लोगों ने किस तरह से ब्रिज के ऊपर कंक्रीट डाला है, कंक्रीट डालने के बाद ये फॉर्मेलिटी पूरी की गई है पूरी तरह से, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आने जाने कभी भी कोई बहुत बड़ी हादसा हो सकता है, और ये हादसे का जिम्मेदार कौन होगा ये अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर हमारे बीच एक समाज से भी यहाँ के रहने वाले महाड़ा के उपस्थित हैं सुशांत खामितकर, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ इस गड्ढे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। इससे पहले भी काफ़ी कुछ यहाँ पर घटित होता रहा है। सुशांत जी, MMRDA के आला अधिकारियों को बहुत सारी कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने अभी तक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए। वो सिर्फ आते हैं और सिर्फ डांबर करके चले जाते हैं, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा जरूरी हादसा हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्रिज बना है ये माहौल क्रीक ब्रिज के ऊपर बना हुआ है। नीचे पूरा सॉल्ट का पानी है और आजू बाजू से पूरा सीमेंट गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो गड्ढा बना है ये सिर्फ एक ब्रिज के लिए रास्ता बना चुका है, लेकिन ये दोनों साइड में जो डांबरीकरण किया वो नीचे धंसता जा रहा है। लेकिन MMRDA के आला अधिकारियों को कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक उन चीज़ों ने इस बड़ी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। उनको ये चीज़ करनी चाहिए कि दोनों साइड के रास्ते को खोद के पूरी नई तरीके से बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग अभी भी यहाँ पर सिर्फ डांबर डाल के खड्डा बुझा के चले जा रहे हैं। सुशांत जी, लगता है कि इससे पहले भी खड्डा काफी भारी उसमें हुआ है, डीप में, और जिसका परिणाम स्वरूप उन्होंने केवल फॉर्मेलिटी पूरी की, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, सही बात बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पिछले 4-5 बार ऐसे हो चुका है, लेकिन ये लोग आते हैं सिर्फ मट्टी और डांबर डाल के चले जाते हैं। इस वजह से बड़ी हादसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 एक्सीडेंट भी ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर जो ये गड्ढे की वजह से गाड़ियाँ स्लो हो जाती है और पीछे से आने वाली गाड़ी पास बहुत तेजी से आती है और फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है। सुशांत, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर इसका मतलब ये माना जाए कि ये सड़क जो है काफ़ी घटिया तरीके से इंजीनियर ने बिना लापरवाही का प्रमाण। हाँ, सही बात है। इसके ऊपर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो एकदम बिना लापरवाही की तरह से यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर आला अधिकारियों की जाँच की नहीं है। उन्होंने जैसे ही कोई हादसा हो जाता है वो लोग आके सिर्फ देख के चले जाते हैं, फोटो उतार के चले जाते हैं। अच्छा, ये माना जाए कि इस ईस्टर्न फ्री एक्सप्रेस वे पे हर दिन अधिकारी से लेकर राजनेता भी गुजरता है और उनकी नज़र भी जाती होगी निश्चित, और कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज इस चीज़ को कर रहे हैं। खुद CM इस रास्ते से गए हुए हैं, खुद उनकी गाड़ी जो तेज़ी से भागती है वो 20-30 किलोमीटर पर यहाँ पर आके रुक जाती है 20 स्पीड पर। खुद CM जा चुके हैं, आला अधिकारी यहाँ पर जाते हैं, उनके बड़ी बड़ी चीज़ों की यहाँ पर ध्यान है, लेकिन MMRDA के खुद CM चेयरमैन होने के बावजूद भी वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे जा रहे। इस फ्रीवे पे मौत का हादसा हो चुका है, 2-3 गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट एक हादसा हो चुका था टैक्सी वालों का कि इसी गड्ढे की वजह से वो टैक्सी ठोक दी गई थी। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है, कुछ CM से दरख्वास्त है कि इस चीज़ों को बहुत बड़ी ध्यान से लिया जाए और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये क्या हो सकता है अब, अगर ये इसी तरह चलता रहा, अगर 2-4 दिन के अंदर नहीं हुआ तो निश्चित है हादसा दोबारा हो सकता है ना? हो सकता है तुरंत, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां रात को यहाँ से गुजरती है, ट्रैफिक वाले तो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, बड़े बड़े डंपर यहाँ से गुजर रहे, ये पूरा रास्ता खस्ते जा रहा है नीचे, उसके अंदर पूरा मटेरियल जो यूज़ किया वो पूरा मट्टी की तरह है। ये नीचे जो नाला है, नाले की जो समुद्र में जुड़ने जाने वाला नाला है, ये कभी भी खस सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। बाजू में जो गया हुआ वो ब्रिज है वो भी उस नाले के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और भाई कई लोगों की जाने जा सकती है। ये थे सुशांत खामितकर, जिन्होंने बताया कि यहाँ से मुख्यमंत्री जी भी गुजरते हैं, आला अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, यानी ये कहा जाए इससे पहले भी छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, लेकिन इन हादसों के बाद अभी भी इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। जबकि ये बिल्कुल सही मायने में देखा जाए, जैसा कि समाजसेवी सुशांत खामितकर बता रहे थे कि ये मौत का गड्ढा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इसमें हाथ डाला जाए तो कई फिट हाथ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग नीचे, अगर आप देखिए, हमारा कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आप देखें तो कहीं जमीन का सतह कहीं भी नहीं नजर आती, ठीक इसी तरह इधर भी ये धीरे धीरे होता जा रहा ये हादसा कि ये एक गड्ढा और है, एक गड्ढा अगर देखा जाए तो और है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अंदर तक हाथ जा रहा है।
कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ से ही ये मट्टी निकल सकती है और ये हादसा किसी भी दिन किसी भी क्षण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लापरवाही बहुत नज़र MMRDA के अधिकारियों की आई है। मैं विनय पाठक, कैमरामैन रवि शर्मा के साथ फ्री ईस्टर्न एक्सप्रेस में मुंबई बडाला चेंबूर।